डजन भेज दिए हैं। में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए चेक इन चलो यार लाइव जरूर साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार, फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और कुछ दिन आपके हाँ जी, आज का जो लाइव है उसका प्रमुख उद्देश्य कल जो कोर्ट में होने वाली सुनवाई है, एक दूसरा कल दो प्रकार के प्रकरण है। एक तो प्रकरण है, थोड़ा नेटवर्क इश्यू की वजह से मेरे हिसाब से थोड़ा समय लग गया होगा, लेकिन आज का जो लाइव का उद्देश्य है वो दो विषयों से मैं आप लोगों से लाइव आया हूँ। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, नए शिक्षा मंत्री के पद पे ये गुड्डा जी आ चुके हैं, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन मुख्य रूप से जो भूमिका है कल के जो केस को लेके, काफी युवा साथी पूछ रहे हैं कि एडवोकेट जनरल पैरवी करेंगे और करेंगे, तो ये चीजें मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि बीएसटीसी की तरफ से एडवोकेट जनरल पहली डेट से ही पैरवी कर रहे हैं। 5 फरवरी को भी एडवोकेट जनरल ने पैरवी की थी, जिस दिन बीएड वालों को लेवल प्रथम में अलाउ किया गया था। इसके अलावा 24 सितंबर, 23 सितंबर, 22 सितंबर, 21 सितंबर को जब बीएड के एग्जाम सॉरी रीट के एग्जाम से पूर्व जब बहसें हुई थी जो उच्च न्यायालय जोधपुर में, तो उन बहस के दौरान भी बीएसटीसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से भी एडवोकेट्स थे, लेकिन एडवोकेट जनरल ने भी पैरवी की थी। उन्होंने अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट भी किए थे, अन्य भी कार्य किए थे। अब जो मुख्य बात है, हमारी तरफ से सीनियर्स की टीम फिजिकल रूप से जोधपुर हाईकोर्ट के लिए सुबह पहुंच जाएगी सारी टीम। इसके अलावा कुछ वीसी के माध्यम से भी जुड़ेंगे, कुछ बाहर से भी जुड़ रहे हैं, तो सभी प्रकार से जो टीम है वो मौजूद रहेगी कल के प्रोग्राम में। कल बहस होनी है मुख्य रूप से 22 तारीख, आप लोगों को पता है 22 तारीख को बहस का जो दिन है। लेकिन अब मुख्य बात जो आप लोग जो लाइव जुड़ना चाहते थे, कौन कौन सी एडवोकेट की टीम है, क्या कई लोगों को ये भी सवाल है कि कौन कौन से केस नंबर है, केस नंबर की क्या जानकारी, तो ध्यान दे दोस्तों, एक रणनीति के तहत मैं केस नंबर कुछ साझा नहीं किए। एक एक अलग रणनीति यह थी कि हमें जो सीनियर्स उतारने हैं, अभी जो हाई कोर्ट की तरफ से भी सीनियर उतरेंगे, इसके अलावा बाहर से भी जो टीम आ रही है सीनियर्स की, तो उन सभी टीम्स के लिए हम कुछ चीजें साझा नहीं किए, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो विपक्ष है वो इस चीज की ज्यादा मुस्तैदी से अपने लाइव को ज्यादा सुनता है, वो जानता है। निश्चित रहे, बीएड का जो हक है, जो सिद्धांतों की बात है, जिस आधार पे बीएड वालों ने कार्य किया है, मैंने वो कार्य कर दिया है अपनी तरफ से। न्यायालय अपनी पूरी कोशिश, न्यायालय में बाकी रण क्षेत्र सज चुका है, जीत सुनिश्चित है। आप लोगों के हक की आवाज के लिए मैंने जितने भी कोशिश करनी थी उससे भी बेहतरीन मैंने टीम उतार दी है। दूसरी बात, आपके लिए सीनियर आरण माथुर साहब वीसी के माध्यम से बहस करेंगे, आपके लिए फिजिकल रूप से सीनियर की टीम जोधपुर हाईकोर्ट में मौजूद होगी। इसके अलावा हमारे जो रघुनंदन जी शर्मा हैं और श्रीमाली जी एनसीटी की तरफ से है, आरडी रस्तोगी, एएसजी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रस्तोगी जी है, वो एमएचआरडी की तरफ से, ये सारी चीजें जो काउंटर एफिडेविट को जो चैलेंज किया गया था उसके लिए आर्ग्यूमेंट करेंगे। अब मुख्य रूप से कई लोगों को लग रहा है कि क्या हो सकता है, वही होगा जो आप चाहते, जो संविधान चाहता है, जो नियम बना है, जो कोर्ट उसको जस्टिफाई कर देगा। जो लोग कह रहे थे कि अब सरकार साथ है, ये है, सरकार हमेशा ही साथ थी आप लोगों के, कोई बात नहीं, आप लोगों ने बहुत सारे यत्न प्रयत्न किए। मैं इस लाइव के माध्यम से, हो सकता है आपको बुरा भी लगे कि मैंने ये चीजें, मैं बीएड वालों के तरफ से जो काम कर रहा हूं और कर रहा हूं, हो सकता है बीएसटीसी वालों को बुरा लगे, तो मैं माफी भी चाहूंगा मेरे छोटे भाई बहनों से,
कि उनको एक गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि ये जो प्रकरण है वो बीएड बीएसटीसी विवाद है। असल में ये था कि ये जो नियम बना है उसके आधार पे, नियमों के तथ्यों के आधार पे जो कार्य हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हुए हैं, उसी के आधार पे हमने पैरवी की है, उसी के आधार पे हमने कार्य किया है। किसी भी बीएसटीसी अभ्यर्थी को बाहर नहीं किया गया है, यहाँ पे कंपटीशन बन रहा है और अकॉर्डिंग टू पंचायती राज रूल्स 226 स्पष्ट तौर से उल्लेखित करता है, बहुत सारे इसकी व्याख्या हुई है, बहुत तरीके से इसको जजमेंट को माना गया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा है, स्पष्ट तौर से ये बात कही है कि एनसीटी को जो पावर ऑफ अथॉरिटी है योग्यता निर्धारण करने में, वो राज्य सरकार को मानने के लिए बाध्य है। राज्य सरकार कुछ अमेंडमेंट कर सकता है, कुछ संशोधन कर सकता है, लेकिन विभाग की स्थिति में अगर एनसीटी उसको रिप्लाई कर रहा है तो रिप्लाई के अनुसार एनसीटी के ही बातों को उनको मानना पड़ेगा। और इसके अलावा जो नए संशोधन हुए हैं, जो बीएसटीसी वालों को लग रहा था कि सरकार हमारे साथ है, कुछ संशोधन एनसीटी के फेवर में सरकार ने किए हैं, उन चीजों को भी रखा जा रहा है। आप लोग निश्चित तौर पर रहे, बीएड अभ्यर्थियों की अवश्य जीत होगी और सॉलिड जीत होगी, ध्यान रख लीजिए इस चीज में। मैं आप लोगों को वादे के साथ कह रहा हूं, हमारी पैरवी मजबूती के साथ हो रही है और मजबूती के साथ हम जीतेंगे। हम तथ्यों के आधार पर कार्य कर रहे हैं, सत्य और तथ्य की लड़ाई में जीत सत्य और तथ्यों की ही होगी। सत्य में जयते की मैं बात रख रहा हूं आप लोगों के बीच में, और आज भी बात इस सॉलिड रूप से कह रहा हूं, इस लाइव के माध्यम से कह रहा हूं। बीएड अभ्यर्थी जो 13 लाख परिवारों का जो मामला है, 13 लाख जो बीएड अभ्यर्थी जो मेरे से इस लाइव के माध्यम से भी जुड़ते हैं और जितने भी मामले बार बार पूछ रहे क्या हो सकता है, कल पूरा कोर्ट रूम से जैसे ही जो चीजें अपडेट होगी मैं ट्विटर के माध्यम से आप लोगों से साझा कर दूंगा, ट्वीट के माध्यम से या फिर फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के बदले सारी अपडेट आती रहेगी। पहले कल बीएसटीसी की तरफ से आर्ग्यूमेंट होंगे, उनकी तरफ से जो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से भी आ रहे हैं उनकी तरफ से भी आर्ग्यूमेंट होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन चीजों का, जो उनका जिन्होंने इन्होंने एफिडेविट दिया है, जो काउंटर का हमने एनकाउंटर तैयार कर दिया है हमारी तरफ से बीएड के जो एडवोकेट 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि चाहे आप मैथ का सवाल हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 800 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, फिर जो आपका डाउट है उस सवाल की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड व सभी स्टेट के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 8400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए, अपने सभी सवाल को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उन्होंने भी तैयार किया है, दिल्ली से एनसीटी की तरफ से बहुत शानदार रिप्लाई तैयार होकर आया है, तो निश्चित तौर पर आप लोगों को डरने की किसी की आवश्यकता नहीं है। बीएड वाले अभ्यर्थी यहाँ पे पॉजिटिव सोच के साथ, कल दवाएं और दुआओं का दोनों का दौर जरूर है, लेकिन सत्य और तथ्य की लड़ाई है और जीत बीएड वालों की होगी निश्चित तौर पे। और इस भूमिका में जितने भी युवा साथियों ने साथ निभाया है, साथ दिया है तहे दिल से, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, हम जीतेंगे। और ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है और पूरे ऑल ऑफ इंडिया का हमारे इस पे नजर है। 2016-2018 वेटिंग रिशफल का मामला को लेकर, कल 2018 रिशफल को लेकर भी केस लग रहा है, वेटिंग रिशफल का यही चीफ साहब की बेच में लगेगा, वो भी केस मजबूत है रिशफल वालों का। इसमें हो सकता है एक या दो दिनों में जल्द से जल्द फैसला हो जाए और कोशिश हमारी जल्दी रहेगी कि इस केस को जल्द से जल्द निपटवाया जाए और जितनी जल्दी हो युवाओं को फायदा हो सके, क्योंकि बहुत सारे युवा कई पप्पुओं के चक्कर में आके अपने 9-10 महीने बर्बाद कर लिए हैं, तो अब पूरी जल्द से जल्द भर्ती को प्रक्रिया को निपटे और युवाओं को रोजगार मिले और विद्यालयों में नए नए शिक्षक मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यालय जहां पे शिक्षकों की कमी है। 2016 गणित विज्ञान और अंग्रेजी विषय के मामले में, 2016 बिल्कुल सीबीआई जांच के बारे में और अंग्रेजी विषय के मामले को लेके जितने भी युवा साथी जो मुझे कॉल कर रहे थे कि एक और सूची जारी हो, तो दोस्तों इस संदर्भ में मैंने प्रयास शुरू कर दिया है, आप लोग निश्चित रहे। इसके संदर्भ में हमारे एक प्रतिनिधि मंडल भी पहले ही मिला था मुख्य सचिव से, और अब भी वर्तमान में भी एक ऐसा हम कार्य कर रहे हैं जिससे ये अभी 2016 गणित विज्ञान को लेके हमारा प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव से भी मुलाकात की थी। अभी मुख्य बात ये है दोस्तों कि नॉन जॉइनर की जो लिस्ट है वो डीओ तैयार करेगा, अभी अंतिम रूप से नियुक्तियां नहीं हो पाई, लिस्ट भेजेगा।
लगभग 400 से अधिक गणित विज्ञान में, 200 से अधिक अंग्रेजी विषय में रिक्त पद है। डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा और मेरे खुद के नाम से जो आदेश था उसके आधार पर अंतिम पद को भरवाने के लिए हम पूरी जोर से कार्य करेंगे। कई दुकानें और भी सज चुकी है जो ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, लीगल तरीके से लड़ेंगे और लड़ेंगे इस प्रकार। तो दोस्तों अंतिम पद का ऑर्डर हो चुका है, इन दुकानों के चक्करों में मत आए, गुमराह करने वाले विज्ञापन हर बार मौजूद रहेंगे। आप लोग इंप्लीमेंट करवाइए उस ऑर्डर को, अंतिम पद बनवाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, एकजुट होइए। जल्द से जल्द आप लोगों से रूबरू होंगे, हम कोशिश करेंगे जल्द ही आप लोगों से मिलकर इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाएंगे। पुखराज जी मुझे वेतन नहीं चाहिए, ईश्वर की दया से सब कुछ है, आप सबका प्यार स्नेह जो आदर आशीर्वाद मिलता है, आपने लिखा एक माह का वेतन, आप सफल जरूर होंगे। वेतन नहीं चाहिए दोस्त, आप लोगों का प्यार स्नेह जो यहां से जुड़ा है वो ही चाहिए, जिसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगा आप लोगों का। हाँ 2001 अब बड़ी बात, मंत्री जी चले गए, अब प्रयास होना चाहिए नए मंत्री जी के सामने, रीट में चाहे पदों में वृद्धि की बात हो, चाहे रीट की निष्पक्ष जांच की बात हो, एसओजी ने जांच की नहीं की सबको पता है। अब बात यह है सीबीआई जांच हो, वही बात है, वही डिमांड है इसी सरकार से, अपनी मांग है रीट की निष्पक्ष और सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच इसलिए आवश्यक है कि दोस्तों कई देखो हम इस भर्ती की प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं उन पर सवाल नहीं है, लेकिन उन लोगों के चयन के हम खिलाफ है जिन्होंने गलत तरीके से चयनित हुए हैं और गलत तरीके से किसी युवा का हक खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों का एकजुट होना आवश्यक है, अब साथ आना जरूरी है। गुड्डा जी को पुनः बधाई, इस कांटो बड़ा ताज है जिसको वो संभाले ना संभाले किस प्रकार से है वो आगे की बात है, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अब आप लोग इस बात को समझे, बीएड वाले जो कमेंट कर रहे हैं निश्चित तौर पे आप सफल होंगे और हमारी जीत सुनिश्चित है। कई लोगों को चाहे बुरा लगे चाहे किसी प्रकार लगे, मैं जो बात कह रहा हूं हर प्रकार की बातें आप लोगों के सामने जो रखी है इससे पूर्व में भी रखी है मैंने, कोर्ट में क्या होना है पूर्णतया बहस होगी और जजमेंट जल्द ही लिखा जाएगा, एक इतिहास रचा जाएगा, इतिहास दोहराया नहीं जाएगा, 2011 के विपरीत इतिहास रचा जाएगा। जय हिंद जय भारत, शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि, कल मिलते हैं जोधपुर हाई कोर्ट में।